नमस्कार, शाखा नौ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं फखरुद्दीन हाशमी। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मुंबई के आप कार्यालय पर जश्न मनाया गया। आप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर जश्न मनाया। इस जश्न में आप नेता अंजलि दामनिया भी शामिल रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों पर भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रयास के कारण हम 3 से तकरीबन 15 सीटों तक पहुँचे। हमने मेहनत की लेकिन कुछ जगहों पर कमी रह गई जिसकी समीक्षा की जाएगी। वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है। महाराष्ट्र कांग्रेस की मराठी भाषा की मासिक पत्रिका रिशोदी के फरवरी अंक में सावरकर पर 2 लेख शामिल किए गए। इनमें से एक लेख का शीर्षक है स्वतंत्र वीर नवे माफी वीर, स्वतंत्र वीर नहीं माफी वीर। दूसरे लेख का शीर्षक है अंधारा दिल सावरकर, सावरकर के अनजाने पहलू। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित कर्जत जेल से रविवार शाम 5 कैदी भाग गए। आरोपियों पर हत्या, बलात्कार और हथियार रखने जैसे मामले में मुकदमे दर्ज हैं। पांचों की पहचान ज्ञानेश्वर तुकाराम कोल्ले, अक्षय रामदास राउत, मोहन कुंडल मोरे, चंद्रकांत महादेव राउत और गंगाधर जगताप के रूप में हुई है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि ज्ञानेश्वर को अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि अक्षय, मोहन और चंद्रकांत पर हत्या का आरोप है। गंगाधर को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बेटी के घर से भागकर शादी करने से आहत माता पिता और भाई ने घर के बाहर स्थित कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना सोमवार शाम की है। परिवार के सुसाइड की जानकारी जब बेटी को मिली तो उसने भी कुएं में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की, हालांकि ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। मामला महाराष्ट्र के गढ़चौली का है। पुलिस ने बताया कि गढ़चौली के विवेकानंद में रहने वाले रविंद्र परगंटीवार, उनकी पत्नी वैशाली और बेटा साईराम का शव घर के सामने स्थित कुएं में मिला है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जिंदा जलाई गई महिला लेक्चरर ने तकरीबन 8 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद सोमवार सुबह दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने वर्धा के हिंगन घाट इलाके में नागपुर हैदराबाद हाईवे जाम कर दिया। नाराज लोग आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे थे। यह प्रदर्शन तकरीबन 3 घंटे चला और आखिरकार पुलिस वालों के समझाने के बाद सड़क जाम खत्म किया गया। शहर के कैंप इलाके में रविवार को फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री अंगूठी चुराते हुए पकड़ी गई। महिला की पहचान स्नेहलता पाटिल के रूप में हुई है। रविवार को स्नेहलता एक ज्वेलरी शॉप पर अंगूठी खरीदने के बहाने गई थी। उसने दुकान पर मौजूद सेल्समैन से कई अंगूठियां दिखाने के लिए कहा। वह जैसे ही अंगूठी निकालने के लिए सेफ तक गया, महिला ने एक अंगूठी उठाई और अपने बैग में रख लिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद महिला को पकड़ लिया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी। यह नाम सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिखा। मोहल्ला क्लिनिक परियोजना देश में सबसे पहले दिल्ली में शुरू की गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार को इसका श्रेय जाता है। इसका सीधा उद्देश्य लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना था। यह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां लोग सर्दी जुकाम से लेकर बुखार तक का इलाज करवा सकते हैं। उन्हें दवाएं भी मुफ्त मिलती है। यहां मरीजों को दवा, डायग्नोस्टिक सहित डॉक्टर परामर्श मुफ्त में मिलते हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में ही थी केजरीवाल की जीत की दवा। पूर्व सांसद और लालू प्रसाद यादव के साले पप्पू यादव ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराकर जनता ने उनकी नफरत का जवाब दिया। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि भगवान राम और हनुमान ने भाजपा को दंड दिया। दिल्ली विधानसभा के लिए हुए चुनाव के आज नतीजे आए हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला है। करीना कपूर तैमूर को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहती है। जी हाँ, करीना तैमूर को अपने आप से कोसों दूर इसलिए भेजना चाहती है क्योंकि पटौदी खानदान के रीति के हिसाब से सैफ अली खान के पिता यानी मंसूर अली खान भी वहीं पढ़ने गए थे। यही नहीं, सैफ अली खान बड़ी बहन, सबा खान छोटी बहन, सोहा अली खान भी वहीं से पढ़कर आई है। ऐसे में करीना चाहती है कि उनका नन्ना तैमूर भी यही प्रथा फॉलो करे और उनके घर के बड़ों के चले हुए कदमों को अपनाए। करीना इस बात को लेकर बहुत सीरियस है, हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सब करीना ने खुद कहा। पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मदद को लेकर लिखे खत पर चीन का जवाब आ गया है। चीन ने इस कदम को भारत चीन की गहरी दोस्ती का प्रतीक बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की ओर से कोरोना वायरस को लेकर जो समर्थन की बात की गई, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। भारत का ऐसा कहना चीन के साथ उसकी गहरी दोस्ती को दर्शाता है। जापान से मुंबई घूमने आई एक महिला का बैग ट्रेन में चोरी हो गया। इस बात की शिकायत रेलवे में दर्ज कराई गई। जीआरपी ने भी तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में बैग को ढूंढ निकाला और उस बैग को दे दिया। इस बैग में महिला के पासपोर्ट, कैमरा सहित अन्य महत्वपूर्ण सामान थे। रेलवे पुलिस के इस कार्य के बाद जापानी महिला ने आभार प्रकट किया।
दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज चैनल, शाखा न्यूज 9 को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।